देखिए एक टाइप का और जो न्यूमेरिकल आता है इस चैप्टर में, उसमें क्या होगा कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या से संबंधित होता है। किससे? फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या से संबंधित, वक्रता त्रिज्या से संबंधित। अब इसमें क्या होता है ध्यान दीजिएगा, हम लोग जो है जैसे मान लीजिए अवतल दर्पण में ज्यादा कंडीशन है, तो अवतल दर्पण को अगर मानक मान ले तो उसके हिसाब से आसान होगा समझना। ठीक, जैसे मान लीजिए अवतल दर्पण है, इसके पीछे मान लीजिए ये पेंटेड वेंटेड है पूरा, ठीक, तो यहां पे मान लीजिए हमारा एफ है और यहां पे क्या है सी है। ठीक, तो हम लोग एक चीज पीछे पढ़ चुके हैं कि यहां से यहां तक का जो दूरी होगा उसको हम क्या बोलेंगे, फोकस दूरी, फोकस दूरी, बस नहीं। और यहां से यहां तक का जो दूरी होगा, यहां तक का, इसको हम क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या। ठीक है, बात समझ आई? तो यहां पे हमको एक चीज मिल रहा है, ठीक, कि जो वक्रता त्रिज्या होती है, वक्रता त्रिज्या होती है वो क्या होती है, तो दो गुणे यफ होती है। बस नहीं, सी बराबर क्या होता है, अरे यार वक्रता त्रिज्या आर होगा, है ना, आर, वक्रता त्रिज्या आर और फोकस दूरी यफ, ठीक ना। तो हम कह सकते हैं आर बराबर दो गुणे यफ या दो गुणे यफ बराबर किसके, आर के। तो हम कह सकते हैं यफ बराबर आर बटे टू, यही पढ़े पीछे ना। तो हम कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए हमको फोकस दूरी दिया हो तो हम वक्रता त्रिज्या निकाल सकते हैं, और अगर वक्रता त्रिज्या दिया हो तो फोकस दूरी निकाल सकते हैं। अब मान लीजिए एक क्वेश्चन हम करेंगे इसके आधार पे, देखिए मान लीजिए कि किसी अवतल दर्पण, किसी अवतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर दी हुई है, 40 सेंटीमीटर दी हुई है, तो फोकस दूरी का मान ज्ञात कीजिए, फोकस दूरी का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना, बात सुन जाए, कोई दिक्कत? तो यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, यफ बराबर आर बटे दो, यफ बराबर आर बटे दो। अब यहाँ पे हमको दिया क्या, त्रिज्या दिया ना, तो हम लिख देंगे मान, आर का मान कितना है 40 बटे दो बराबर कितना 20 सेंटीमीटर। इस तरह से जो है हमारा ये सवाल लगेगा, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या, ठीक है ना, कोई दिक्कत? इसको छापिए इतना। यदि यदि किसी अवतल दर्पण, अभी उत्तल नहीं बता रहे, केवल अवतल बता रहे हैं, है ना, यदि किसी अवतल दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी केंद्र की दूरी
60 सेंटीमीटर हो, तो ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी ज्ञात कीजिए। डेढ़ मिनट का सवाल है ये, डेढ़ मिनट। 20 आए हो ये, कितना आया? 30 आया। देखिए लगेगा कैसे, तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए अवतल दर्पण ये है ना, अवतल दर्पण हो गया, पीछे वाला भाग पेंट होता है, ठीक। ये मान लीजिए हमारा जो है मुख्य अक्ष हो गया, यहाँ पे एफ है और यहाँ पे सी है, यहाँ पे एफ है और यहाँ पे सी है, ये बोल रहा है सी तक का दूरिया दिया है। सी माने क्या आ जाएगा? वक्रता केंद्र के, हाँ जो सतह होगी, सतह से वक्रता केंद्र की दूरी को हम क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या को हम किससे दिखाते हैं? आर से। आर बराबर किस, क्या हो जाएगा? कितना? 60 सेंटीमीटर, ठीक है। आर बराबर यहाँ पे कितना हो गया? 60 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक का जो दूरिया होगा उसको हम क्या बोलेंगे? फोकस दूरी, ठीक ना। ये त्रिज्या हो गया, अब फोकस दूरी नहीं दिया ना, एफ बराबर हाँ, तो फोकस दूरी नहीं दिया है, हमारा हो जाएगा एफ बराबर आर बटे दो, बराबर 60/2 बराबर 30 सेंटीमीटर। बस सुनिए, तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन की भाषा अलग हो सकती है, हमको ध्यान देना है क्या क्या चीज दिया, भाषा में नहीं कंफ्यूज होना है, ठीक। कभी बोल देगा वक्रता त्रिज्या और कभी बोल देगा ध्रुव से केंद्र की दूरी, तो यहाँ पे हमको भाषा नहीं पकड़ना है, ध्यान देना वो कह क्या रहा है। बस सुनिए, इसको लगा लीजिए ना, ठीक।